दोस्तों नमस्कार, यूसुफ से प्राप्त स्वागत है। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन आपका चल रहा है, संख्या श्रृंखला, जिसमें नंबर सीरीज में जो है आपको हम लगभग दो क्लास पा चुके हैं, दो क्लास पूरी हो गई है, जिसमें 23 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। 23 प्रकार के प्रश्न मतलब सारे प्रश्न जो है एक से मैंने लिखाया था क्या क्या पढ़ना है। तो कल 21 तक पढ़े थे, 200 मतलब कल आज जो है दो कल बच गए थे, थोड़ा सा क्लास लंबी हो रही थी इसलिए हमने उसको रोक दिया। फिर 22 और 23 पढ़ने के बाद हम कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं अभी साल करेंगे, और अगर मुझे लगता है कि और आपको देना है तो और देंगे, क्योंकि एक लेवल जो हीरो से जीरो लेवल से लेकर हीरो लेवल ले जाना, तो यही लेवल मेरा मेंटेन रहेगा। और एक अध्यापक का यही होता है कि आपको जो है एक लेवल को इस मेंटेन करना कि आप एग्ज़ाम हॉल में जाइए, अगर ऊपर नीचे हो तब भी आप करके चले आइए। तो कहने का मतलब ये, मैं वीडियो पिछला जो है 2016 में 2018 में हुए क्वेश्चन जब लेके आया हूँ, आज को आपके बीच लाया हूँ, कराऊंगा नंबर सीरीज के क्वेश्चन, और बाकी जो है आपको इसके पहले मैंने कोडिंग पढ़ाया है बहुत ही बेहतर तरीके से, और बैंक का भी क्वेश्चन दूंगा जो है साथ में, CGL SSC 10 प्लस 2 ग्रुप डी NTPC सब में क्वेश्चन आए जो आपको देखने लायक है, कि आप इससे के लिए देखा जाए, एक प्रकार देखा जाए, आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगा और साथ ही जो है आप सीख भी जाओगे। आप 23 प्रकार के देखिए, 22 देखिए, आते हैं सीधे मिश्रित एकांतर श्रृंखला, इसमें नज़र आता होगा। देखिए मैट में 2015 पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन आपको समझाने के लिए मिश्रित एकांतर श्रृंखला को कि आपको एग्जाम्पल देकर समझाया जाए, तो यही क्वेश्चन मैं एग्जाम्पल देकर आपको समझा रहा हूँ, आइए समझते हैं। एक नज़र आता होगा कि आपको जो है 2, 3, 5, 8, 10, 15 अब लगता होगा कि आप यहाँ तक तो मिला, कुछ मिल रहा होगा, इसके बाद आगे देखते होंगे नहीं मिल रहा है, लेकिन आप यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो है यहाँ से यहाँ तक कितने का फ़र्क है, 0 से 3, तब 3 का फ़र्क है, फिर यहाँ से लेकर 3 का फर्क है, कहने का मतलब प्लस 3 किया हुआ है, फिर यहाँ से करके जो है प्लस 5 किया, कहने का मतलब 2-2 बढ़ाया गया है ना, मिश्रित है ना, 2-2 बढ़ाया गया है, और यहाँ पर 17 किया, करेंगे मतलब 3 यहाँ रहेगा, 5 है, 2-2 बढ़ाया गया है, 7, और यहाँ जो है 9, 17 में 9 जोड़ेंगे, 17 में 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 17 में 9 जोड़ेंगे अभी बताते हैं आपको, 15 में 9 जोड़ना है ना, हाँ 15 में 9 जोड़ेंगे 23 आएगा, और 23 अब इसमें 24 आएगा, 24 में जो है 2-2 का अंतर, तो 11 जोड़ेंगे प्लस 11 करना है तो हमारा कितना आएगा, कहने का मतलब आप समझ रहे हैं, अगर इसमें 11 जोड़ेंगे तो 35 आएगा, मतलब यहाँ जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, प्रश्नवाचक चिन्ह है 26 है, 24 है, 17 है, 35 आएगा। अब देखते हैं बीच में को जो गैप है कितने कितने के ले रहा है, आप देखिए, कहने के मतलब देख रहे हैं यहाँ पे 3 का प्लस यहाँ भी हुआ है, और यहाँ का 5 का प्लस हुआ है, यहाँ का जो है 7 का प्लस हुआ है, और यहाँ का जो है 9 का प्लस हुआ है, कहने का मतलब अगर यहीं पे जो है और अगली संख्या 35 के आगे अगली संख्या निकालना, तो 11 से कहते अगली संख्या निकल जाएगा, तो हमारा आंसर कहाँ तक पूछ रहा है, 35 तक। कहने का मतलब मिश्रित एकांतर श्रृंखला में इस तरीके दिखने लगेगा, मिश्रित मतलब होता है आपका कि हर प्रकार से, मतलब इसमें गैप भी रहेगा, ये एकांतर मतलब कहने का मतलब एक निहित रूप से जो नियम होता है ये नहीं रहेगा, तो यही मिश्रित। अभी अगर समझ में नहीं आता होगा तो मैं आगे क्वेश्चन कराऊँ, समझ में आएगा, इस टाइप क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। आते हैं नई श्रृंखला में, एक क्वेश्चन आपको देखने में लगता हो नया है, इस सर क्या क्या गोला गोला बनाए हैं, तो आपको परेशान मत होइए, क्योंकि चीज़ें आपको नया है समझ में आएगा। दिया 2, 3, 12, 17, 22, 23, यहाँ तो समझ में आता होगा, यहाँ आसान है, लेकिन जो डी 3 के बाद ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है, ई दिया है, इसका क्या मतलब होता है, और दिया क्या है, यहाँ पे सहल करने के लिए दिया है, डी के स्थान में कौन सी संख्या पूछ रहा है,
आप यहाँ कन्फ्यूज होंगे। देखिए पहले हम देखेंगे कितना कितना जो है ऊपर में क्या किया गया है, ऊपर में क्या किया गया है, ऊपर में क्या किया गया है हम समझेंगे। देख रहे हैं यहाँ पे कितने का अंतर है, दो के पास पाँच का अंतर है, मतलब पाँच प्लस किया गया है, फिर इसमें पाँच सात पाँच बारह प्लस किया गया, इसमें पाँच बारह पाँच सत्रह प्लस किया गया, इसमें पाँच सत्रह पाँच बाईस, इसमें सत्रह पाँच तेईस, कहने का मतलब पाँच पाँच का प्लस किया गया है। अब पूछ रहे हैं थ्री ए बी सी डी ई, डी के स्थान पे कौन सी संख्या आएंगे, थ्री यहाँ दे दिया है, तो कहने का मतलब यहाँ देखिए मैंने सॉल्व करने के लिए हमने उतार दिया है, यहाँ पर लिख दिया है, कहने का मतलब आप इतना जानिए थ्री यहाँ दे दिया है, ए दे दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है, थ्री कहने का मतलब पाँच पाँच जब बढ़ाने के लिए कहा है, जब पाँच पाँच बढ़ाने के लिए कहा है, पाँच तीन आठ होगा, आठ तीन ग्यारह होगा पाँच तीन तीन पाँच आठ होगा, आठ पाँच तेरह होगा, तेरह पाँच अट्ठारह होगा, और यहाँ अट्ठारह और पाँच तेईस होगा, नहीं तेईस होगा, और तेईस पाँच अट्ठाईस होगा, पूछ क्या रहा है डी का मान, कहने का मतलब यहाँ पे पाँच पाँच प्लस कर देंगे, पाँच पाँच प्लस कर देंगे, पाँच पाँच प्लस कर देंगे, और पाँच पाँच प्लस करेंगे तो पाँच पाँच प्लस करेंगे, तो डी का स्थान पूछा है, डी के स्थान पे क्या होगा, डी के स्थान पे तेईस होगा, देखिए तेईस होगा, तो तेईस यहाँ पे रहेगा, ठीक है, डी के स्थान पे तेईस होगा। समझ में आया नहीं आया, इस तरीके क्वेश्चन थोड़ा सा सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस तरीके आते हैं, अभी तक वीडियो में पूछा नहीं गया, लेकिन हो सके पूछ ले, इसलिए मैं चीज़ लाया हूँ कि आपका तेईस प्रकार यहाँ पूरा होता है। अब अगले अगले जो है अभी जो है इसके बाद जो है आपको क्वेश्चन कराएंगे और सब आए हुए कर रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है, आते हैं, सब नोटबुक में लिखिएगा, क्योंकि जब एग्ज़ाम में जाएंगे कोई भी एग्ज़ाम प्रिपरेशन करें, स्पेशल वीडियो के लिए है, लेकिन कोई भी एग्ज़ाम जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप समझे रीजनिंग आपको जो है इस चैप्टर वाइज को जो है मैं सिखाऊंगा, ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, बस पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ठीक है, आते हैं। गत वर्ष पूछे गए प्रश्न हैं तो आप थोड़ा नंबर एक करके लिखेंगे, आप अब वहाँ तेईस तक पूरा हुआ ना, अब नंबर एक करके लिखेंगे, कहेंगे दो तो दो बच्चे थे, दो पूरा कराएं, तो नंबर एक करके लिखेंगे, नंबर एक करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एक तीन छः, एक तीन छ, पाँच सात दस, पाँच सात दस, फिर ग्यारह तेरह सोलह, ग्यारह तेरह, ग्यारह तेरह सोलह, फिर इसके बाद यहाँ पे खाली स्थान है ना, यस मार्क, इसके बाद क्या दिया है, उन्नीस उन्नीस नहीं इक्कीस चौबीस, इक्कीस चौबीस, आप देखते हैं, आप थोड़ा थोड़ा यहाँ से देखिएगा कब पूछा हुआ क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ पटवारी मतलब लेखपाल में पूछा गया है ना, छत्तीसगढ़ पटवारी में पूछा हुआ क्वेश्चन 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए दो में, दो में क्या है, अभी हम करवाएंगे, तीन सात ग्यारह पंद्रह, यहाँ पे दिया है प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है, एसएससी स्टोनो में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एसएससी स्टोनो में ना, एसएससी स्टोनो में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2019 में, आप देख लीजिएगा, ठीक है, ऑप्शन भी लिख दें, इसमें भी ऑप्शन लिख लीजिए, आप ऑप्शन लिखेंगे तो आसानी रहेगा, सी डी, सी डी, सत्रह उन्नीस, सत्रह उन्नीस पंद्रह, नॉन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं, ठीक है, इसमें ऑप्शन लिखिएगा,
देखिए क्वेश्चन सॉल्व करना है तो अगर आप को पढ़ना है तो हम इस तरीके पढ़ाएंगे क्रम वाइज से, क्योंकि आप परीक्षा हॉल में ढक अच्छे से करके आइए, क्योंकि परीक्षा भी का डेट कोई क्लियर है नहीं कब तक हुआ क्या नहीं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश देखिए कब तक आता है, क्या दिया है ऑप्शन, ऑप्शन 19 है, 20 है, 21 है, 18 है, हाँ 18 फिर देख लीजिएगा, 16 15 12 7 यक्स करने का मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह है, प्रश्नवाचक चिन्ह है ये है ना, हाँ यही है, SSC SSC स्टोन में पूछा हुआ क्वेश्चन भी है 2019 में पूछा हुआ, 2019 पूछा गया क्वेश्चन है। अब आते हैं लगाते हैं हम, अब इसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के लिए करते क्या है, देखिए आपको कुछ नज़र आता होगा इसमें कि नज़र आता होगा, देखते होंगे कि इसमें कोई क्रम नहीं बैठ रहा है, दो दो का अंतर ऐसा कुछ नहीं है ना, यहाँ आने के बाद देखिए एक एक का हो गया है, ठीक है ऐसा समथिंग हो गया ना, हो गया है तो ऐसे हैं। तो हम इसे क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, पहले इसे हम तीन तीन के जो है क्रम में लगाएंगे, तीन तीन के क्रम में लगाएंगे, जैसे ऐसे करेंगे ना, तीन तीन क्रम लगाएंगे। आप देखने में नज़र में आता होगा, इसमें कुछ समझ में आता होगा नहीं आता होगा, ऐसे करके देखिए कि चार का अंतर इसमें मिल रहा है, चार का अंतर इसमें मिल रहा है, चार प्लस किया जा रहा है ना। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे 21, यहाँ बॉक्स है, बॉक्स में भरना है ना, फिर 21 है, फिर 24 है ना, अगर यहाँ चमकता होगा तो आप प्रसन्नमति में बोल रहा हूँ करेंगे, मतलब यहाँ देखिए प्लस चार हुआ है तो पाँच हुआ, प्लस चार हुआ है सात हुआ, चार तीन सात, प्लस चार हुआ है तो छः चार दस हुआ है। आप देखेंगे यही चीज़ें यहाँ देखिएगा, इसी में से देखिए, इसलिए मैंने कलर चेंज कर दिया कि आपको समझने के लिए, ठीक है। इसमें देखिएगा पाँच ग्यारह, छः पाँच ग्यारह, सात छः तेरह करेंगे, मतलब दो दो बढ़ा गए, चार यहाँ है, छः छः यहाँ हो गया, तो यहाँ पे हो गया आपका प्लस छः करेंगे, मतलब दो दो बढ़ रहा, चार दो चार वहाँ, छः वहाँ वहाँ, तो यहाँ तो आठ होगा, ऑटोमेटिक होगा यहाँ पे। अब देखिए आठ करने के लिए यहाँ पे करेंगे, पूछ क्या रहा है, आठ करने के लिए ग्यारह आठ उन्नीस प्लस आठ आठ तीन इक्कीस है, प्लस आठ सोलह आठ चौबीस करने का मतलब 19 हमारा सही है। देखिए थोड़ा कन्फ्यूज में तो ये देखिए, इसलिए मैंने कलर चेंज कर दिया आपको समझने के लिए। आप यहाँ ध्यान दीजिए, पहले देखिए इस तरीके मिलाइएगा कि एक के पास तीन आएगा दो का अंतर, फिर छः के बाद पाँच आएगा एक का अंतर हुआ, तो सीधी सी बात जान लीजिए। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ से यहाँ चार हो रहा है, यहाँ से यहाँ चार हो रहा है, यहाँ से यहाँ चार हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है तीन तीन संख्या पर बनाया गया है संख्या, ठीक है। तो एक एक दो मतलब एक तीन छः लिखेंगे, पाँच सात दस लिखेंगे, ग्यारह तीन ग्यारह तेरह सोलह लिखेंगे। देखिए अगर आपको लगता है मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ तो आप परेशान मत होइए, मैं पढ़ाऊँगा भी, समय आपके पास बहुत है, ठीक है, क्योंकि स्लो समझेंगे तभी सब कर पाएंगे, नहीं तो कुछ लोगों को बहुत तेज़ आता है, कुछ लोगों को नहीं आता है, तो मुझे जिनको नहीं आता इनको सिखाना है, जिनको आता है इनके लिए ठीक है भाई, तुरंत जो है आंसर निकाल के आपसे मारते चले जाइए, ठीक है। आते हैं
फिर दे दिया। देखिए इसमें क्या क्या कहा गया है, आप इसमें देखिए थोड़ा सा। इसमें कहा गया है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, एसएससी स्टोनो में पूछा गया है। देखिए 2019 में आप यहाँ देखेंगे, यहीं कर ले रहे साल, यहीं साल को ले रहे हैं, यहीं साल का 7 7 3 4 3 7 तीन में चार जोड़ेंगे 7 होगा, 7 में चार जोड़ेंगे 11, 11 में चार जोड़ेंगे 15, कहने के मतलब हमारा जो है 4 4 प्लस हुआ है, 4 4 प्लस 19 हमारा आंसर है। आसान क्वेश्चन था, लेकिन जब आया हुआ है टाइप है तो बताना ज़रूरी था। इस टाइप देखिए मैंने 23 प्रकार का मैंने बताया अभी ये चीज़ें। फिर आते हैं, दे दिया इसमें, देखिए कुछ नज़र आ रहा है, इसमें कुछ नज़र आ रहा है आपको, इसमें कहा क्या, कहा क्या गया है, 7 12 15 16 ना, 7 12 7 12 15 16 आप यहाँ क्रम से मिलाइएगा, इसके ऑप्शन नहीं लिखे लेकिन आप समझ लीजिए, क्रम से मिलाइएगा, क्रम से मिलाइएगा। इसमें देखिएगा कि माइनस किया गया है, 15 के बाद 16 के बाद 15 आया, 15 के बाद 12 आया, कहने का मतलब हमारा यहाँ एक माइनस किया गया। फिर इसमें देखिए जो है, इसमें देखिए तीन माइनस किया गया, कहने का मतलब दो दो गैप करके। फिर इसमें जो है देखिए, फिर इसमें देखिए दो गैप करके तीन के बाद 5 माइनस किया गया है, 5 तब तो देखिए इसमें इधर से करेंगे जोड़ेंगे, 12 में से जोड़ेंगे जो है इसमें करेंगे जो है करेंगे, इसके बाद इसमें देखिए 7 माइनस किया गया, तो यहाँ पे हमारा 0 आंसर आएगा। क्या आएगा? 0 आंसर। ठीक है, एसएससी स्टोनो 2019 में पूछा गया है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4th में। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा यही टाइप है, लेकिन अब आया हुआ क्वेश्चन है। मैंने देखिए मैंने बोला क्या आपको, 0 लेवल ले जाना, 48 58 73 यहाँ पे इसको बांड भरना है। ठीक है, करेंगे मतलब यहाँ गैप जो है प्रश्नवाचक चिन्ह में, प्रश्नवाचक चिन्ह में भरना है। एसएससी स्टोनो में पूछा ये भी क्वेश्चन है, एसएससी स्टोनो में पूछा हुआ 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन ये भी। आप सोचेंगे कि सर इसी में के सब लाए हैं क्या? क्योंकि एसएससी स्टोनो में ऑनलाइन परीक्षा होती है, कई शिफ्ट में होती है, इसलिए 2019 में हुई थी परीक्षा, उसके सब है क्वेश्चन। ठीक है, एसएससी स्टोनो में अगर नहीं थोड़ा समझ में आता होगा तो आप समझ लीजिए। ठीक है, आते हैं इसमें, देखिएगा आप सीधी सी बात, देखिएगा कुछ करना नहीं है। देखिए आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, बहुत ही गहरे से ध्यान दीजिएगा कि इसमें देखिए आप किस तरीके का मिला है। 5 का पहाड़ा पढ़िए 5 3 8 48 10 48 10 जोड़ेंगे 10 48 15 जोड़ेंगे 73 इसके बाद 20 जोड़ेंगे 93 ये आंसर हो गया। बस 5 का पहाड़ा पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे 93 रहेगा वही। ठीक है, अगर आगे रहेगा तो आगे बढ़ता चला जाएगा। फिर आते हैं 5 नंबर पे, पांच नंबर 4 5 14 48 88 169 आपको समझ में आ गया होगा इसमें क्या किया गया है, तुरंत समझ में आ गया होगा इसमें किया गया गया है, इसमें पूछ रहा है। कब आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें भी एसएससी स्टोनो में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2019 में। यार क्या हो रहा है, एसएससी स्टोनो सस्टिस्ट होना,
पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसमें आपको समझ में आया क्या किया गया है? कुछ नहीं किया गया, बस आपको समझना है, थोड़ा सा टफ है लेकिन आप समझिएगा चीज़ को, क्योंकि इससे मैं खुद जो है थोड़ा टफ था इसलिए लेकर आया हूँ, समझना है इसमें। इसमें देखिए थोड़ा सा ये चीज़ है, ऐसी चीज़ें हैं समझने के लिए। इसमें देखिए बस समझना है, इसमें एक जोड़ा गया है, इसमें जो है नौ जोड़ा गया है, इसमें जो है हाँ इसमें कितना जोड़ा गया है, नौ सोलह जोड़ा गया है ना, सोलह जोड़ा गया, इसमें पाँच जोड़ा गया है, सुनिए पच्चीस ना, पच्चीस चार, इसमें एक एक नौ इसमें पच्चीस जोड़ा गया है, इसमें पच्चीस जोड़ा गया है तो इसमें जो है उनचास जोड़ा गया है ना। अब इसमें नौ जोड़ा गया, कहने का मतलब इसमें आपका इक्यासी जोड़ा गया है। आपको समझ में आया क्या इसमें दिया है, समझ में आया क्या जोड़ा दिया है इसमें, कहने का मतलब इसमें एक जोड़ा गया है, अब इसमें इसका स्क्वायर देखेंगे, इसका स्क्वायर देखेंगे, कहने का मतलब इसका स्क्वायर दिया है, इसका स्क्वायर जो है गैप है, इसका स्क्वायर गैप है, इसका स्क्वायर गैप है, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, दो दो का अंतर भी है, दो दो का अंतर भी है, तो कहने का मतलब यहाँ 11 स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। 11 स्क्वायर के लिए हम करेंगे क्या, 11 स्क्वायर के लिए करेंगे क्या हम 121 ना, 121 कहने का मतलब हमारा यहाँ आंसर आएगा 121 में यहाँ रहेगा, 121 यहाँ रहेगा, तो 121 इसमें जोड़ेंगे, ऑप्शन है लिखेंगे क्या, 121 इसमें जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा आंसर जो है आएगा 290, हमारे पास आंसर आएगा 290, नहीं पता 169 121 जीरो नौ दो, हाँ 290 आएगा, समझ में नहीं आया, आते हैं नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए हम धीरे धीरे पढ़ाएंगे लेकिन आपको इस तरीके पढ़ाएंगे कि आपको कहीं जाना नहीं है, सारा हम सिलेबस यहीं कर देंगे। छः नंबर के लिए बहुत ही आसान है थोड़ा, लेकिन अब दिया है तो देना ही है। एक सौ ग्यारह क्वेश्चन देखें, हाँ 111, 118, 126, 118, 126, हाँ 126, 135, 135, आपको समझ में आ गया होगा क्या इसमें है, क्वेश्चन पूछे हुआ क्वेश्चन है, पूछा क्या इसमें, आगे की संख्या पूछा है, प्रश्नवाचक चिन्ह। अब कब आंसर कब आया हुआ, देखिए यूपी ट्रिपल एससी अधीनस्थ में एक अधीनस्थ में आता है प्राविधिक सहायक भर्ती आती है, और इस भर्ती की जो है 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये चीज़ें आपको यहाँ समझ में आ जाएगा। यहाँ 5 प्लस किया गया है, यहाँ 7 प्लस किया गया है,
यहाँ 9 प्लस किया के दो दो का अंतर है ना, और यहाँ पर जो है 11 प्लस किया गया है, तो यहाँ पर जो है 13 प्लस किया गया है, तो कहने का मतलब यहाँ 15 प्लस होगा, दो दो का अंतर है, इसमें 15 प्लस करेंगे तो कितना आएगा हमारा आंसर? नहीं नहीं सुनिए, 9 11, दो दो का अंतर है ना, 9 11, यहाँ पे 5 गलत कर दिए यार, कहाँ होगा इसमें 6 5 11 होगा ना, 6 होगा या 7 18 होगा, यहाँ जो है 8 118 126 होगा, तभी कह दें एक इसमें 9 जोड़ा जाएगा, इसमें 10 जोड़ा जाएगा, तो कहने का मतलब 10 जोड़ा जाएगा तो 145 आएगा, क्या आएगा 145, यही हमारा आंसर है। ठीक है, यूपी टीपीएससी में पूछा गया था प्राविधि सहायक जो है में आया हुआ था, इसमें अधीनस्थ कृषि सेवा प्राविधि सहायक भर्ती में जो 19 से पूछा गया क्वेश्चन है यूपी टीपीएससी में अधीनस्थ। ठीक है, आते हैं आपको कहीं नहीं जाना है, बस थोड़ा सा बने रहना है और पढ़ना है। ठीक है, 7 नंबर, 7 नंबर करने के लिए 6 9 6 9 13 18 24, हाँ 18 24 इसका स्थान भरना है। ठीक है, यहाँ चमकता थोड़ा सा लेकिन दिख नहीं रहा है, बताइएगा, हम बोल भी रहे हैं साथ में, SSC 10+2 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसलिए हम डेट भी डाल देते हैं कि आपको समझ में आए। देखिए इसी पैटर्न पर सारे जितने मैं बताया हूँ, 23 प्रकार बताया हूँ, 23 प्रकार में सब आए हो क्वेश्चन, नहीं इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आना, क्योंकि इससे ज़्यादा हो भी नहीं करता 23 प्रकार ज़्यादा। ठीक है, और संख्या श्रृंखला में ऐसा नहीं कि उल्टा सीधा दे दे, मैंने बताया था कि किसी संख्या को नियत मतलब एक क्रम से दाएं बाएं कर सकते, एक क्रम से कर सकते, मैंने पहले शुरू से ही बताया था इसमें होता ही नहीं कि इसमें 4 है उसमें 8 कर दें, इसमें बसम विषम विषम इस तरीके नहीं, जो रहेगा सब में फालू होगा। ठीक है, और दो दो गैप दो दो फालू होगा, सब सामान्य समान रहेगा, अगर क्रम से है तो क्रम से रहेगा, 1 2 3 4 5 इस तरीके रहेगा। ठीक है, आते हैं 2018 पूछा क्वेश्चन है, आप इसको बहुत आसानी से, इसमें आप देख रहे हैं कि ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें देखिए सीधे से क्रम से जो है क्रम से जोड़ना है, 6 3 9 होता है, 6 3 9 होता है, 9 4 13, 13 5 18, अब जान गए आप 6 इसमें 7, तो 7 जोड़ेंगे इसमें 7 4 11 ग्यारह 31 आएगा, हाँ यही आएगा ना 31 आएगा। आते हैं 7 नंबर में, 8 नंबर में, आठ नंबर में 152 148 156 152 152 148 156 152। अब इसमें आपका दिमाग नहीं काम करेगा, कुछ लोग कहेंगे सर ये क्या हो, तो सेम सेम आ रहा है, RRB ग्रुप डी में पूछा हुआ 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, सर कहेंगे सर ये क्या दे दिए, तो समझ में नहीं आ रहा, बी ए बी सी डी, ए बी सी डी में 160 182 140 90। ठीक है, अब आप सोचेंगे सर ये क्या कर दिए हैं, ये क्या कर दिए, लेकिन आप घबराइए मत, 192 148 यही ना 156 152
यहाँ खाली स्थान था, यहाँ भी इस तरह खाली स्थान, इसमें कुछ करना नहीं है। चार प्लस किया गया है, इसमें चार प्लस किया गया है, इसका चार प्लस किया गया है। अच्छा, चार प्लस करेंगे इसमें 160 है। आते हैं 9 नंबर। नौ नंबर 5 11 5 11 17 25 33 43 बॉक्स को भरना है। अब कब पूछा हुआ क्वेश्चन है, SSC CGL 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बोल दे रहे हैं नोट क्या करें, ठीक है। 2016 में SSC CGL 2018 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप यहाँ समझ में आया होगा कुछ, इसमें क्या क्या किया गया है। करना कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा था। देखिए सीजीएल में आया क्वेश्चन है, प्लस 6 6 5 11 प्लस 6 11 6 17 प्लस 6 नहीं हो रहा इसमें 8 12 8 प्लस 8 कहने का मतलब 2 बार 6 2 बार 8 और 2 बार 10 दो का गैप 2 बार 10 43 53 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा 53, ठीक है। आते हैं 10 नंबर। दस नंबर में क्या है, 4 9 16 36 गैप, ये आपको आ गया होगा। यू देखिए वीडियो में पूछा हुआ क्वेश्चन है, UPSC वीडियो 2016 में हुआ था एक पुनः परीक्षा, जिस तरीके 2018 पुनः परीक्षा 2022 में होने वाला है, इसलिए 2016 में हुआ था पुनः परीक्षा। इसका जो है क्वेश्चन है, देखिए कितना आसान आया है इसमें, इसमें देखिए 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, करेंगे देखिए क्रम से है, 4 का स्क्वायर है, तो यहाँ 5 का स्क्वायर होगा तो 5 का स्क्वायर होगा तो 25 होगा, यहाँ 6 का स्क्वायर, इस तरीके देखिए आया था, बहुत ज़्यादा नहीं आएगा समझिए। अब थोड़ा क्वेश्चन है, एक UPSC का लिया हूँ क्वेश्चन, 6 24 60 120 240 210 है प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। अगर नहीं दिख रहा है मैं बोल भी रहा हूँ, ठीक है। साथ में कब पूछा गया क्वेश्चन है, UPSC पूछा हुआ क्वेश्चन है, RO में, UPSC के RO होता है, उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है 2018 में, UPSC में 2018 में RO क्वेश्चन पूछा हुआ है। आप थोड़ा इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा, देखिए इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट थोड़ा दिया है, इस तरीके दिया है। मैंने एक चीज़ बताया था कि आपको वर्क करना है, वर्क के साथ क्रम से घटाव करना है, मैंने इस प्रकार बताया, यही प्रकार इसमें अपनाना है, मैंने बताया था आपको
इस प्रकार 23 प्रकार जो बताए उससे बाहर कुछ नहीं आना। हाँ, इसमें दिया है 2 का वर्ग। हाँ, 2 का वर्ग, 2 का वर्ग करना है, इसके बाद -2 करना है। दो का वर्ग करने का मतलब 2 दुना 4, और 2 दुना 4 -2, इसके बाद आ जाएगा कितना हुआ आपका, 2 देखना किस टाइप किया है, क्योंकि आया क्वेश्चन आएगा तभी जब हम लोग समझेंगे। 2 2 दुना 4 +6, फिर 3 3 3 9 27 -3 3 9 यहाँ पे हमको लग रहा संख्या, अरे यार संख्या इसमें हमको लग रहा है यहाँ पे कम होगा तभी तो 4 आएगा। मान लीजिए इसमें 3 3 9 3 3 9 -3, फिर इसके बाद 16 चौका 64 -4, यहाँ पे 4 होगा। इसमें गलत लिखा गया है पेपर बुक में, क्वेश्चन जहाँ से कलेक्ट किया गया है। अब आया कि नहीं आया, अब आया 3 करने, समझ रहे हैं आप, क्रम से स्क्वायर करना है और क्रम से कटाव भी करना है। क्रम से मतलब करने का मतलब क्रम से स्क्वायर भी करना है। नहीं यार क्यों, सही है सही है, यहाँ 6 ही होगा, थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम इस बात की हुई। घन करना है क्रम, घन करना है क्रम से, और उतने से ही माइनस करना है, करने का मतलब क्रम से घन करना, क्रम से मतलब घटाव भी करना है। 3 3 9 मतलब आपका यहाँ आया 2 2 दुना 4 4 2 8 8 -2, फिर इसके बाद आया यहाँ पे 27 -3, फिर इसके बाद यहाँ 64 -4 कहने का मतलब 4 का, अब यहीं आप आ जाइए -5, यहाँ पे आया आपका 6 -6, अब यहाँ आ जाइए आपका, यहाँ सीधे से आप यहीं पकड़ लीजिए, ऑप्शन में क्या दिया था, ऑप्शन 7 माइनस, अच्छा यहाँ तक ही ना, यहाँ तक कीजिए, तो इसके कहने का मतलब यहाँ पे हो जाएगा आपका 7 स्क्वायर -7। 7 का निकालेंगे तो सीधी सी बात, हमारे पास 336 आएगा, 336 आएगा, गर्मी से भीग गए हैं अब, आप यहीं सोच रहे क्लास को समाप्त कर दें, 336 आएगा। समझ में आया कि नहीं आया, वो थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो रहा था यहाँ पे कि मुझे लगा कि 4 होगा पीछे, लेकिन आप परेशान मत होइएगा, थोड़ा सा होता है गर्मी, देखिए इतना गर्मी हो रही है, इसके बाद थोड़ा समझ में कम आता है, तो जानिए कि यहाँ पे थोड़ा सा आप परेशान मत होइएगा, यहाँ पर 336 आएगा। इसका निकालेंगे, इसका 7 का घन निकालेंगे, -7 करेंगे, इतना 336 आएगा, ठीक है। मुझे लगा बुक में मिस्टेक दिया है, लेकिन बुक में जहाँ से क्वेश्चन कलेक्ट किए जाते हैं, कई बुक्स कलेक्ट किए जाते हैं आपके बीच लाने के लिए। अभी क्वेश्चन थे हमारे पास, अभी क्वेश्चन ढेर सारे थे, लेकिन आज इतना ही बस,
अभी एक क्लास और लेंगे इस इसके जितने आए हुए क्वेश्चन हैं। और ठीक है, अभी क्लास को समाप्त करते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।